नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बीएड पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। पहली लिस्ट जारी करने को लेकर दोस्तों, जनरल ओबीसी एससी एसटी की कितनी कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, लिस्ट आपको कैसे चेक करनी है कि आपको कॉलेज मिली है या फिर नहीं मिली है। दूसरी लिस्ट कब आएगी, जिन छात्रों को पहली लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है उनको दूसरी लिस्ट में दोस्तों कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि दूसरी लिस्ट की कट ऑफ 10 से 15 नंबर कम रहती है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों पहली लिस्ट के बारे में, कैसे लिस्ट चेक करते हैं सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद कट ऑफ दोस्तों और ऑफिशियली वेबसाइट पर भी चलेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। दोस्तों, 2 साल की पीटीटी की पहली लिस्ट जारी करने को लेकर समय की बहुत बड़ी अपडेट है आपको। दोस्तों, कॉलेज जो लिस्ट है चेक करने के लिए लॉग इन फॉर प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करना है। इसके बाद रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और काउंसलिंग आईडी आपको डाल देनी है, जो भी आपसे डिटेल मांगी जाती है। इसके बाद लॉग इन करोगे तो आपको कॉलेज का नाम और कॉलेज का दोस्तों एड्रेस और कॉलेज कहाँ पर है पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको फ़ीस जमा करानी होगी, कॉलेज रिपोर्टिंग करनी होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका ऑफिशियली वेबसाइट है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं थोड़ी, तो पीटीटी की अगर 2 साल की कट ऑफ की बात करें आर्ट्स वाले छात्रों की, तो 300 से लेकर 280 के बीच में कट ऑफ रहेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी एससी एसटी की। वहीं दोस्तों, साइंस वाले छात्रों की बात करें तो साइंस वाले छात्रों की कट ऑफ आपकी 360 तक जाएगी हाईएस्ट, और मिनिमम आपकी 340 तक रहेगी। चलिए चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो दोस्तों, पीटीटी की जो ऑफिशियली वेबसाइट है pttiraj2022.com, या इसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा पीटीटी बीएड का पेपर करवाया गया था दोस्तों। इसमें 4 वर्षीय की जो पहली लिस्ट है जारी हो चुकी है, 2 वर्षीय बीएड की पहली लिस्ट दोस्तों आज आपकी जारी होगी। ये देख सकते हैं 9 तारीख यहाँ पर 9 अक्टूबर को जारी होनी है। तो अभी लिस्ट नहीं आई है, लगभग 3 से 4 बजे से पहले ही दोस्तों आपकी लिस्ट आ जाएगी। कभी भी लिस्ट आ सकती है, कोई भी टाइमिंग नहीं है, लेकिन 4 बजे से पहले ही दोस्तों आ जाएगी। इसके बाद आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करनी होगी, कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट जो आपसे सबमिट करने होते हैं वो सबमिट करने होंगे, और आपकी फ़ीस जमा करानी होगी। इसके बाद अपवर्ड मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट में आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं, और इसके बाद आपकी सेकंड लिस्ट के साथ अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, लिस्ट चेक करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, उसके बाद जो उससे मैंने आपको शुरुआत में बताया है, यहाँ पर आपको प्रिंट अलॉटमेंट का लेटर का लिंक मिल जाएगी, जिस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी रिजल्ट जो है पहली लिस्ट नहीं आई है, किसी भी समय आ सकती है। आप वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।